ईद मिलाद उल नबी के पर्व को लेकर सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता कशिश वारसी ने मुस्लिम भाइयों से अपील की है कि कोई भी शख्स हिंदुस्तान में पाकिस्तान के झंडे ना लगाए, वहां का जो संगठन है दावते इस्लामी उसका झंडा बिल्कुल ना लगाए। साथ ही उन्होंने कहा कि जो संगठन देश के खिलाफ साजिश में कहीं भी पाए जाते हैं किसी भी मुल्क के अंदर उनके झंडों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, ऐसे झंडों का बायकॉट करते हैं और कोई भी मसलक जो देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाना चाहता है ऐसे झंडों का बायकॉट करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि दावते इस्लामी के झंडे ज्यादातर लोग धोखे में लगाते हैं, वो समझते हैं कि वो इस्लामी झंडा है, इस्लामिक झंडा नहीं है, वो दावते इस्लामी का झंडा है, वो उससे उनका क्या ताल्लुक, दावते इस्लामी के झंडे से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। उम्मत मुस्लिमा से एक अपील करता हूँ कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हम किसी भी ऐसे संगठन का झंडा ना लगाएं जिसका ताल्लुक पड़ोसी मुल्क से पाकिस्तान से हो, या किसी ऐसे संगठन का झंडा न लगाएं जो हमारे देश के खिलाफ साजिश रच के मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश कर रहा हो। मैं तमाम मुसलमानों से अपील करूंगा कि दावत इस्लामी के झंडे का और ऐसे हर मसलक का जो इस्लाम को बदनाम करने पे लगे हुए हैं उनके झंडों का बायकॉट करें। अगर झंडे लगाना है गुंबद-ए-खज़रा की निस्बत से हरा लगाएँ, सबसे पहले गुंबद-ए-खज़रा का रंग जर्द था, जर्द रंग का लगाएँ, सफ़ेद रंग का लगाएँ, बैगनी रंग का लगाएं, मल्टी कलर का लगाएं, क्योंकि ये कलर गुंबद-ए-खज़रा पे हुए हैं। और सबसे अच्छा तो ये कि तिरंगा भी लगाएं, इस मौके पर हुब्बुल वतनी का पैगाम भी दें। रसूल करीम ने फरमाया है कि जिस देश में रहो उस देश के वफादार रहो। हम मोहसिन इंसानियत का जश्न मना रहे हैं, जब हम मोहसिन इंसानियत का जश्न मना रहे हैं तो हम वही पैगाम दें जो मोहसिन इंसानियत ने दिया है, अमन शांति प्यार भाईचारे का, और इस्लाम अमन शांति भाईचारे का मजहब है। हम ऐसे तमाम झंडों का बायकॉट करें जो जिनका ताल्लुक पड़ोसी मुल्क से है और हमारे देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। नहीं नहीं, वो उनके अपने झंडे हैं। दावत इस्लामी का ताल्लुक पाकिस्तान से, हिंदुस्तान का संगठन नहीं है। हम ऐसे तमाम संगठनों की मुखालफत भी कर रहे हैं, हम उन तमाम संगठनों की मुखालफत कर रहे हैं जो देश के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। आपने देखा PFI हमारा मुद्दा था और देश की सरकार ने उसे बैन किया। हम देश की सरकार को इस मामले में मुबारकबाद भी देते हैं कि उसने PFI, ये हमारा अकेला मुद्दा था, हम अकेले लड़ रहे थे इसके लिए PFI के खिलाफ, और देश ने हमें सुरखरू की सरकार ने हमें सुरखरू किया। वहीं उन्होंने कहा कि दावते इस्लामी पाकिस्तान संगठन है और वो हर उस संगठन का बायकॉट करते हैं जो पाकिस्तानी है या पाकिस्तानियों से मिलकर देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाना चाहता है।